हेलो एंड वेलकम गाइस। आज आप लोगों की डीटी की टेंशन दूर हो जाएगी पक्कम पक्का वाली। सर ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स में आए थे, मेथ एवीस अटेम्प्ट में 76 मार्क्स आए थे मेरे, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था डीटी का। एकदम प्रैक्टिकल बातें आपको करूंगा, आपको किस तरीके से अप्रोच करना है डीटी को कि आपका बढ़िया तरीके से डीटी एग्जाम के पहले क्या हो जाए सर, खत्म हो जाए। सबसे पहली बात तो फटाफट से पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एज लाना है एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो कि देर से पढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा एक और छुट्टी है तो चलो हम देर से पढ़ना शुरू करते हैं, या हमारा इलेक्टिव खराब गया तो हम लोग देर से पढ़ना शुरू करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, इलेक्टिव पेपर को आपने अभी कभी भूल जाना है। आपका जैसा भी पेपर गया हो इजी एवरेज टफ आपने भूल जाना है और पूरा फोकस डीटी पे लगाना है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन इन डायरेक्ट टैक्सेशन। सबसे पहली बात तो आपको फोकस करना है इजी चैप्टर्स पे, जो कि आपका 65 मार्क्स कवर करेंगे आउट ऑफ 88 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव। ऐसे इजी वाले चैप्टर्स जो कि आपको नहीं पता है, तो सर कौन से इजी चैप्टर्स, बस वीडियो को देखते जाओ आपको बताता जाऊंगा। उसके बाद आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना सर, आप लोग बड़े चैप्टर्स के पीछे भागते हो और आपको सारा कंटेंट करना होता है। यानी कि लोग क्या सोचेंगे ना, चलो मैं पीजीबीपी खत्म करता हूं, चलो मैं कैपिटल गेन खत्म करता हूं, चलो मैं टीडीएस पहले खत्म करता हूं। ये आपने गलती नहीं करनी है, ये आपको ज्यादा मेहनत में कम मार्क्स देके जाएंगे, तो आपने ये चीज अभी नहीं करनी है सर। बड़े बड़े चैप्टर्स के पीछे आपने अभी नहीं भागना है, किस सीक्वेंस में करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और लोग क्या करते हैं ना, क्या दिक्कत है लोगों की, कि बोलते मैं सारा कंटेंट करूंगा। यानी स्टार्टिंग में तो क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन बैंक भी कर लूंगा, आरटीपी एमटीपी पास पेपर सब कुछ कर लूंगा, तो एक चैप्टर का बोलो कैसा एक्सेस कर लेते हैं। और जब एंड के चैप्टर्स आते हैं ना, तो उनको कंसेप्ट बुक करने तक का टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं करना है आपने। उसके बाद आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट, आरटीपी एमटीपी पास पेपर, केस लॉ में से आपने कुछ भी नहीं देखना है, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। क्योंकि आपने किस पे फोकस रखना है, अपने कंसेप्ट बुक और क्वेश्चंस इस पे ही फोकस रखना है। केस लॉ 4 मार्क का आता है, लेकिन उसके लिए इतनी सारी मेहनत करना वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरे अटेम्प्ट में भी 2 क्वेश्चन आए थे केस लॉ के, तो आप नहीं करोगे ना तो भी आपके बढ़िया वाले मार्क्स आ सकते हैं, बस इतना बोलना चाहता हूं। आपने क्या करना है ना सर, कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन, ये दो ही चीज पे आपने फोकस करना है। उसके अलावा ना आपने आरटीपी एमटीपी पास पेपर आपने कुछ भी नहीं देखना है, कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन ये अच्छे से ही आपने करना है। दोनों का दोनों क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, और कंसेप्ट बुक पे थोड़ा कम फोकस करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है डीटी में। कंसेप्ट बुक भी आपको देखना है, मैं वही बोल रहा हूं, कंसेप्ट बुक अगर आप एक बार देखोगे तो क्वेश्चन आपने 2 बार देखने, ठीक है सर, क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। उसके बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन इज ग्रेटर देन डायरेक्ट टैक्स। अरे डायरेक्ट टैक्स गलती से लिख दिया, इनकम टैक्स। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इंटरनेशनल टैक्सेशन है ना इजी है, छोटा है, स्कोरिंग है, तो उस पे आपने अच्छे से फोकस करना है, उसको आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, इनकम टैक्स के पीछे इतना भागते हैं कि वो लोग इतना टफ टफ चीजें करते हैं, और बाद में इजी जो कि उनको एकदम स्कोरिंग एकदम कैश मार्क्स है उसका टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं करना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन पे आपने ध्यान देना है। उसके बाद कैपिटल गेन आपने पूरा चैप्टर नहीं करना है, 45(4)(9)(b) स्लम्स सेल यूलिप सेक्शन 112 है, इतना ही करोगे तो भी चल जाएगा। पीजीबीपी आपको एकदम आखिरी में उठाना है, अभी मत उठाना पीजीबीपी, क्योंकि उसके 14 मार्क के क्वेश्चन में से कंपलसरी जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैक्सिमम 10 मार्क ही आएंगे, खाली उसमें एडजस्टमेंट वीडियो देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। पीजीबीपी पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है सर, मैंने भी एकदम आखिरी में किया था उसको, और वो आखिरी में ही करने का चैप्टर है। मेरे को मैं बोलूं 1 घंटा भी मैंने नहीं दिया था अपना पीजीबीपी को, और मेरे 7 मार्क आ गए थे, मैंने एकदम आखिरी में किया था उसको। ऐसा ही करना है आपने, मैं कैसे करना है वो पूरा बताऊंगा अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर 23 के लिए, मैट एमटी पक्का 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 आ सकता है, और ट्रस्ट क्वेश्चन का है ना, मतलब ट्रस्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेना, उसके हाई चांसेस है आने के। मैट एमटी ट्रस्ट का क्वेश्चन पक्का 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 आने के चांसेस है, तो उसको अच्छे से कर लेना। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी एकदम फालतू है तो उसको आप इग्नोर कर देना। 4 पार्ट्स में मैं बांट रहा हूं आपके डीटी के सिलेबस को। पार्ट 1 में आपने करना है इंटरनेशनल टैक्सेशन, इधर कंसेप्ट पे कम ध्यान देना है, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है, और जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं उसमें ही करना है। पहले इक्विलाइजेशन लेवी, फिर डबल टैक्सेशन रिलीफ, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग, और फिर एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन पहले मत लेके बैठ जाना, क्योंकि टाइम आपका ज्यादा खाएगा और आपका कॉन्फिडेंस गिराएगा, तो आपने यही सीक्वेंस फॉलो करना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन लोग एंड तक आते आते मतलब उनका नहीं हो पाता है अच्छे से, क्योंकि लोग पहले इनकम टैक्स करते हैं, आपने ऐसा नहीं करना है सर। इंटरनेशनल टैक्सेशन आपको बढ़िया वाले मार्क्स दे जाएगा, एकदम इजी पूछते हैं वो लोग। पार्ट 2 में क्या करना है आपको, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, से 3 आपने चैप्टर उठाने हैं। देखो सर, असेसमेंट वाला जो चैप्टर है ना उसमें आपने क्वेश्चंस पे फोकस करना है। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में सब आ गया, मैं टीएमटी टनेज सिक्योरिटाइजेशन वाला चैप्टर है उसकी बात कर रहा हूं। चैरिटेबल ट्रस्ट में भी आपने क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स पे कम ध्यान देना है। टीडीएस वाले चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चंस पे कम ध्यान देना है। तो ये वाले जो चैप्टर है ना ये भी मैक्सिमम मतलब एक बढ़िया वाला वेटेज कैरी करते हैं, तो आपने उसके बाद ये करना है। पार्ट 3 में आपने थ्योरी करनी है, और थ्योरी में क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। कौन सा थ्योरी, अपील, रिवीजन, पेनल्टी, बीपीएस, एमटीसी वगैरह जितने भी थ्योरी चैप्टर से आपने वो करना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना सर, पागल हो रखे होते हैं वो लोग 3 हेड के पीछे, जो अपने हेड्स ऑफ इनकम है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, टीडीएस, टीसीएस, ये चक्कर में वो लोग थ्योरी करना भूल जाते हैं, और इसमें से आपको कैश मार्क्स आएंगे, ये करना मत भूलना, ठीक है। तो आपने ये एकदम अच्छे से कर लेना है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने अच्छे से कर लिया ना सर, 65 मार्क्स आउट ऑफ 88 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि 74% आपका डिस्क्रिप्टिव में कवर हो जाएगा, और अभी तक तो मैंने हेड्स वगैरह की बात भी नहीं की है। पार्ट 4 में आपने क्या करना है सर, 3 हेड करने हैं। 3 हेड यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी तो इग्नोर हो गए कंप्लीटली,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे कम फोकस करना है। कैपिटल गेन के जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला ना, यूलिप फॉर, फिर 45 और 9B, ये सारे आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स ही करने हैं, पूरा कैपिटल गेन आपने नहीं करना है। पीजीबी पे खाली आपको एडजस्टमेंट का कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना है, एडजस्टमेंट शीट देख लेनी है, और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन में भी सिलेक्टिव स्टडी आपने करनी है, उसमें भी आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे कम फोकस करना है, ठीक है सर। तो ये आपको एकदम एंड में करना है। यानी लोग क्या करते हैं ना, लोग 5 हेड से शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, डिडक्शन वगैरह से शुरुआत करते हैं, और ये आपको इतना रेलेवेंस नहीं रखते आपके फाइनल के एग्जाम में, और आपका टाइम ज्यादा लेते हैं, और आपके मार्क्स जो है ना इससे इतने आते नहीं है, और इस चक्कर में लोग जो है ना अपना इजी वाला पोर्शन, बोले तो इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं कर पाते हैं, फिर ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, ये सारे 3 हेड को आपको एंड में देखना है। तो ऐसे तो डीटी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको बांटो ना ऐसे, तो आप उसको, आपको क्या करने लगने लगेगा सर, एकदम ईजी लगने लगेगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो सर 65 मार्क्स आपका इधर आ रहा है सर, ये पहले 3 पार्ट करके भी आपका डिस्क्रिप्टिव में 65 मार्क्स तो आ रहा है, और कम से कम 15 से 20 नंबर का वेटेज वो लोग कैरी करेंगे एमसीक्यू में, यानी आप आराम से एग्जेम्पशन ला सकते हो। ये हेड ऑफ, मतलब ये हेड्स है ना, हेड्स आप, बस मैं आपको ये कंक्लूजन बोल रहा हूँ कि जो हेड्स है ना उसको आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, एकदम एंड में आपने हेड्स और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिडक्शन उठाने, उसके पहले आपने ये सारी चीजें कर लेनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमिटमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में, दैट यस आई विल डेफिनेटली क्लियर माय डीटी विद 70+। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।